शालोम अलेखिम। मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो तो है पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो हमें दी है वो किस तरह की आत्मा है, तो इसके लिए हम देखने वाले हैं दूसरा तिमोथियुस उसका पहला भाग उसकी सातवीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु शांति, संयम मतलब शुद्ध बुद्धि, सामर्थ्य मतलब पराक्रम की आत्मा और प्रेम की आत्मा हमें दी है। हमारे जीवन में काफी ऐसी परिस्थिति आती है कि हम कई लंबे समय से हम प्रभु के साथ चल रहे होते हैं और प्रभु की आत्मा को हम पहचानते हैं, प्रभु की आत्मा को हम जानते हैं, प्रभु की आत्मा के द्वारा हमने बहुत सारे पराक्रमी काम किए होते हैं, परंतु परमेश्वर हमें और डेवलप करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें आती है जब हम फिर से उस भय में घुस जाते हैं, फिर से हम वही बातें सोचने लगते हैं, फिर से हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी तकलीफें, हमारे प्रश्न, हमारी समस्याएं, हमारी कसौटियां, हमारे दुख हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है और जब भी हम इन सब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, बार बार उन चीजों को महत्व देने लगते हैं, बार बार हमारे प्रश्न, हमारे दुख, हमारी परिस्थितियों को हम जब भी सोचने लगते, तो हमारा जो सामर्थ्य है वो हम ऐसी सब चीजों में जाने देते हैं। ये सारी चीजें हमारा सामर्थ्य चूसने लगती है, ये सारी चीजें हमारे सामर्थ्य लेने लगती है और वो चीजें हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके सामने हम निर्बल हो जाते हैं और हमारी हमारे दुखों और हमारी परेशानियां, हमारी समस्याएं और हमारी जो प्रश्न होते हैं वो हमसे बड़े होने लगते हैं। और एक समय ऐसा होता है कि हम खुद को इतना निर्बल समझते हैं कि इस परिस्थितियों में से हम बाहर निकलने का सोच नहीं सकते। हमें लगता है कि ये परिस्थितियां हमारे लिए बहुत भारी है, जो हमारे ऊपर हावी है और हम उसी में पड़े रहते हैं, उसमें से बाहर निकलने के बारे में हम सोचना भी भूल जाते हैं। परंतु हमें परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य देती है, हमें भय से बाहर निकलना है, हमें शांति में आना है। चाहे परिस्थिति बाहर कैसी भी हो, हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, हमारे जीवन में कैसे भी दुख आन पड़े हो, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो हमें सारे ही भय से मुक्त करता है, सारे भय में हमें शांति देता है, किसी भी विकट परिस्थिति में हमें शांत रखता है, हमें विचलित नहीं होने देता। ये है पवित्र आत्मा, ये है परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मा हमें सामर्थ्य देती है, जो हमें अपने आप पे संयम रखने को बोलती है, जो हमें प्रेम देती है। भय से मुक्त होना ही परमेश्वर हमें चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसके 21 और 8 में कहता है कि भय रखना वो तो दूसरा मृत्यु है, भय एक दूसरा मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय में से छुड़ा के, मौत के भय से, और जो भी डर हम रखते थे उन सारे डर में से निकाल के हमें अपने राज्य में स्थापित किया है, जहाँ पे उसने हमें शांति दी है, जहाँ पे हमें डर से मुक्ति दी है। हमें डरने की जरूरत क्यों है? जब हम जानते हैं कि हमारा पिता तो हमारा परमेश्वर है, फिर भय रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर जिसने पृथ्वी को सर्जित किया, जो पृथ्वी को नाश करने के काबिल है, वो महान और बड़ा परमेश्वर हमारा पिता है। तो क्या पिता हमें ऐसी विकट परिस्थिति में रखेगा? क्या पिता हम जिस बात को सहन ना कर सके ऐसी विपत्तियां हम पे आने देगा? बिल्कुल नहीं। जिसने हमें विपत्ति में रखा है वो हमें विपत्ति में से बाहर रखने के लिए भी काबिल है, क्योंकि जिसने हमें परमेश्वर का आत्मा, खुद का परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया है, जो हमें सारे डर से बाहर निकालता है, जो हमें शांति में रखता है, जो हमें विचलित नहीं होने देता। पर कई बार हम फेल हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे लोगों के जीवनों में पवित्र आत्मा ने काम किया होता है, उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। लोग अपना आपा खो बैठते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। ऐसा क्यों होता? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के प्रति इतने जागरूक नहीं है, हम परमेश्वर की वाणी को मानते नहीं है, हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, हम परमेश्वर के आत्मा से फील होना, भरना और वेष्टित होना हम नहीं चाहते। जब हम परमेश्वर के आत्मा से पूरे भर जाएंगे तब ये सारी चीजें हम में से दूर जल जाएगी। परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी एक इस तरह से है कि जैसे एक बलून होता है उसमें हवा भरी हो, हर समय उसमें थोड़ी सी हवा तो होती है, वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमेशा वास करता ही है। पर उसकी भरपूरी कितनी है? बलून के अंदर जितनी भी आप हवा भरना चाहो उतनी भर सकते हो, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी हमें हम चाहे उतनी हम पा सकते हैं। परंतु ये कैसे होगा? किसी प्रार्थनाओं से या किसी पास्टर के टच से नहीं होगा, परंतु जब हम अपने आप को और गहराई से परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। जैसे हमें कोई बर्तन नदी में से भरना हो तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें उस बर्तन को पूरा ही नदी के अंदर, पानी के अंदर डुबा के बाहर निकालना पड़ता है, तभी वो बर्तन जो है वो पानी से भर जाएगा। उसी तरह से हमें खुद को परमेश्वर के अंदर डुबा देना है पूरी तरह से। जब हम डुबाते हैं तो उतना ही पानी हम में भरता जाता है, उतना ही पवित्र आत्मा हम में भरता जाता है। हम जितने परमेश्वर को समर्पित होंगे, जितने परमेश्वर के साथ हम एक संबंध में आ चुके होंगे, जितने ही परमेश्वर के साथ
साथ हम समय बिताएंगे, उनके वचनों को पालने के लिए समय बिताएंगे, जितना भी हम परमेश्वर को समर्पित होंगे उतना ही परमेश्वर का आत्मा हमें भरता जाएगा। ये आज कई जगहों पे हम देखते हैं कि पास्टर ऐसे हाथ को टच करते हैं और लोग गिर जाते हैं और लोग मानते हैं कि चलो हमें परमेश्वर का आत्मा मिल गया है, परंतु ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भी ये लोग सभाओं को छोड़ के बाहर जाते हैं तब वही पुरानी जीवन में, वही पुरानी जिंदगी में, वही पापों में, उन्हीं तरह के बंधनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। और परमेश्वर के आत्मा को जानने के बाद जो उनका जीवन होता है वो और भी बुरा होता है, और भी गंदा होता है, और भी पापों के बंधनों में पड़ा हुआ होता है। तो ये सत्य नहीं है कि किसी के टच होने से या किसी के कहने से हमें परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है। परमेश्वर का आत्मा हमें तभी मिल जाता है जब हम परमेश्वर के बेटे के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, तभी परमेश्वर का आत्मा हमें मिल जाता है। बाप्तिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर का आत्मा हमें वास करने लगता है। उसकी भरपूरी पर हम जब जितना परमेश्वर को समर्पित होते जाएंगे, उसके वचनों को अधीन होते जाएंगे, उसका कहना जितना जितना हम मानते जाएंगे उतना उतना परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी हमें मिलती जाएगी। परमेश्वर का आत्मा का काम ये नहीं है कि हमें गिरा दे, नीचे गिराना वो परमेश्वर का आत्मा का काम नहीं है, या कुछ बोल बोल करना या बड़बड़ करना या जिस चीजों का मतलब नहीं है ऐसी वाणियां मुख से निकालना, ये परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं है, ये किसी और आत्मा का काम हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गिराता नहीं है, वो हमें सामर्थ्य देता है। जैसे पीटर को सारे ही यहूदियों के सामने खड़े रहने की ताकत उसने दी। पहले तो पीटर बहुत घबराता था, केवल 5-6 लोग जहां अग्नि के पास बैठे थे उनके सामने वो प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं कर सका था, परंतु जब उसको पवित्र आत्मा मिला तो वो उठ खड़ा हुआ और हजारों लोगों के बीच में उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु को प्रकट किया। ये सामर्थ्य उसको कहां मिली? जब 50वां के दिन पवित्र आत्मा पीटर के ऊपर और बाकी चेलों के ऊपर उतरा, तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य के आत्मा जो लोगों को खड़ा करता है, गिराता नहीं है, जो खुद के ऊपर संयम देता है। काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे, काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे, परंतु जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है तब वो हमें खुद के ऊपर संयम देता है। हम क्या कर रहे हैं वो हमें पता है, हम क्या बोल रहे हैं वो हमें पता है। क्योंकि पीटर जब बोल रहा था तो उसको पता था कि वो क्या बोल रहा है, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं वो अपनी अपनी भाषाओं के प्रति सब लोगों को सुनाई दे रहा था कि ये क्या, ये शिष्य क्या बात बोल रहे, और शिष्यों को खुद भी पता था कि वो क्या बोल रहे, क्योंकि फिर उसका अनुवाद नहीं हो पाता, क्योंकि पीटर जानता था कि वो क्या बोल रहा है और वो सबको बता रहा था कि ये लोग दारू पिए हुए नहीं है, मदपान किए हुए नहीं है, परंतु ये लोग परमेश्वर की वाणी आपको प्रकट कर रहे हैं। वो हर एक जन जो वहाँ उपस्थित था उनकी खुद की भाषा में वो सुसमाचार उनको दिया गया। अन्य भाषा का केवल यही पर्पज है कि लोगों को प्रभु यीशु की सुवार्ता को प्रकट किया जाए। हम भी हमेशा इस बात को अपने जहन में रखें, परमेश्वर को समर्पित हो के पवित्र आत्मा की भरपूरी हम ग्रहण करें, तभी हमें मिलेगी सामर्थ्य, कभी हमें मिलेगा प्रेम, तभी हमें मिलेगा साबत बुद्धि, तभी हमें मिलेगा अपने आप पे पूरा संयम, तभी हमें मिलेगा शांति और तभी हमें भय से मुक्ति मिलेगी। इस जगत में हमें भय है, परंतु परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया, पवित्र आत्मा हमें सभी भय से मुक्त कर। आइए हम परमेश्वर के चरणों में रहे और पवित्र आत्मा के लिए खुद को समर्पित कर। आइए हम प्रार्थना कर। ऐ हमारे पिता, आपके वचन के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि सत्य वचन प्रभु आपके वचनों के अंदर हमारे लिए छिपा हुआ है, आपके वचनों के अंदर हमारे लिए जीवन छुपा हुआ है, आपके वचनों के अंदर हमारे लिए मार्ग छुपा हुआ है। वो मार्ग आप हम अबूदों को प्रभु जी प्रकट करते हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद कर। हमें सच्ची समझ दीजिए, हमें भय में से मुक्त कीजिए, आपका आत्मा का काम हमारे अंदर हमेशा हमेशा बढ़ता रहे, आत्मा के फल हम में से आ पाए, इसके लिए आप कृपा होने दो प्रभु। हमें सच्ची समझ दीजिए और कई ऐसे ख्याल जो आज दुनिया में प्रवर्तित उन सब से हमें मुक्त करके आजादी का जीवन प्रभु हमें दी प्रार्थना चाहते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम। प्रभु आप सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।